हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। एंड प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। एंड ये दोनों टॉपिक हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 1 के। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स का मतलब, वर्ड का जो मीनिंग है, इंडिकेटिव वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हेल्थ से वो कैसे रिलेटेड है। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स आर द मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद दैट ऑफ अनदर फॉर द असेसमेंट ऑफ द हेल्थ केयर नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक्टिविटीज एंड हेल्थ प्रोग्राम। मीन्स हेल्थ इंडिकेटर क्या है, मेजर करना, यानी कि हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री, यानी कि इंडिकेटर्स क्या करता है, मेजर करता है, यानी कि जो तुलना की जाती है, ठीक है, यानी कि हमारे जो मान लीजिए कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, ठीक है, जो जनता है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है तुलना में दूसरी कंट्री के, यानी कि यहाँ पर जो है दूसरी कंट्री से हमारी हेल्थ की तुलना की जा रही है कि हमारी हेल्थ कैसी है और बाहर की कंट्री के जो लोग हैं उनके हेल्थ कैसी है, तो उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ये नापा जा रहा है, यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्या क्या जो है इसमें कंपेरिजन हो रहा है, या फिर कह लीजिए कि तो मेजर क्या हुआ, एक तरह से स्केल हुआ, यानी कि हेल्थ ऑफ इंडिया का किस स्केल पर है हेल्थ, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया में उसका हेल्थ स्केल कितना है और बाहर की कंट्री का हेल्थ स्केल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमारे हेल्थ को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, नापा तोला जा रहा है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड्स, और हमारे जो हेल्थ केयर की क्या क्या नीड्स हैं, यानी कि हमें जो हेल्दी रखना है उसके लिए क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, और मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, हमें जो है देखा परखा जाएगा, ठीक है, इवेल्युएशन किया जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनका क्या रिज़ल्ट आया है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज़ हैं, क्या क्या नई हेल्थ सर्विसेज़, अगर जो हमारी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे, नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, ठीक है, मीन्स हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, नई नई एक्टिविटीज़ होंगी, हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि हमारे हेल्थ पर फोकस किया गया है, ठीक है, उस पर असेसमेंट की गई है, मॉनिटरिंग की गई है, इवेल्युएशन किया गया है, हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, और नई नई एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हेल्थ से रिलेटेड नए नए प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो इन सभी को सभी को मॉनिटर करके ध्यान में रखते हुए एक स्केल तैयार किया जाता है कि जब हमने ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया, मेजर किया है इसको, उसका एक स्केल तैयार किया है कि हमारे ये सब सर्विसेज देने के बाद पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारा क्या रिजल्ट आया है। अकॉर्डिंग टू WHO इंडिकेटर्स आर वेरिएबल विच हेल्प टू मेजर चेंज। Often they are used particularly when the changes cannot be measured directly, for example health or nutritional status. तो WHO क्या कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, विच हेल्प टू मेजर द चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हेल्थ जो ऊपर नीचे होती रहती है लोगों की, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो इंडिकेटर से क्या पता चलेगा हमें, हम उनके सही एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की हेल्थ कैसी है। ऑफन दे आर यूज पर्टिकुलरली वैन द चेंजेस कैन नॉट मेजर, तो अगर कई बार क्या हो सकता है कि जो लोगों की जो हेल्थ है उसको जो है नापना डायरेक्टली संभव नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ हुआ, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हुआ, तो इससे क्या होता है कि हर चीज़ें जो है ईजिली से नापना मुश्किल हो जाता है। तो इंडिकेटर्स के थ्रू क्या होता है कि ये सब एक डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा के थ्रू ये जाना जाता है कि लोगों की हेल्थ कैसी है, उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई डिजीज़ है तो उसका इलाज कैसे करना है, कितने लोग उस डिज़ीज़ से इफ़ेक्टेड हैं। अभी आ जाते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेटर्स के, इंडिकेटर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, दे शुड बी वैलिड, वैलिड होने चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्यूरेट जो सही डाटा है वो होना चाहिए, दे शुड एक्चुअली मेजर वट दे आर सपोज टू मेजर, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डाटा क्या लेना है, ठीक है,
उनको सही और एक्यूरेट डाटा लेने हैं, शुड बी सेंसिटिव, दे शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द सिचुएशन करेक्टली, यानी कि सेंसिटिव होकर, यानी कि पूरे ध्यान पूर्वक उनको वो डाटा लेना है, ठीक है, यानी कि उन्होंने वो सिचुएशन देखनी है कि क्या सिचुएशन में क्या चेंजेस आए हैं, यानी कि पहले क्या सिचुएशन थी, क्या क्या हमने हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी, उसके बाद जो है क्या स्टेटस आया है, ठीक है, पहले क्या सिचुएशन थी और प्रोग्राम चलाने, हेल्थ प्रोग्राम चलाने के बाद क्या स्टेटस आया है, ठीक है. शुड बी स्पेसिफिक, दैट इज दे शुड आइडेंटिफाई करेक्ट द ट्रू नेगेटिव एंड शुड नॉट गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि जो भी वो डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए. अगर सही है तो उसे सही बताना है, अगर गलत है तो उसे गलत बताना है, ठीक है, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके डाटा नहीं बनाना है. तो जो भी उन्होंने डाटा लिया है एक पर्सन का, ठीक है, एक सोसाइटी का या फिर एक सिटी का, शहर का, तो वो पूरा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए. शुड बी फिजिबल, दैट इज दे शुड हैव एबिलिटी टू ऑब्टेन डाटा नीडेड, यानी कि फिजिबल मीन्स क्या होता है, यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल डाटा उनको लेना है, ठीक है, सारा कुछ ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली उनको वो डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है. एबिलिटी टू ऑब्टेन डाटा नीडेड, और उनको उनके क्षमता होनी चाहिए जो डाटा वो ले रहे हैं, और उनको जो है डाटा लेने का उसका मतलब पता होना चाहिए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है. शुड बी रिलेवेंट, दैट इज दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या है, रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि वो जो जिस चीज़ के लिए वो गए हैं, ठीक है, वो क्या है, हेल्थ का डाटा लेने गए हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड डाटा ही होना चाहिए. दे शुड बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना, यानी कि वो जिस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए गए हैं उसी से रिलेटेड उनको डाटा लेना है, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि वो जिस काम के लिए गए हैं उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर चीज़ उनको बताई गई है सिर्फ वही पूछे, उससे रिलेटेड और जो भी चीज़ें होती हैं वो भी वो डाटा लेना चाहिए उनको. अब आ जाते हैं हमारा टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, कि कितने टाइप्स होते हैं हेल्थ इंडिकेटर के. तो डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर, ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर. दिस इंडिकेटर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है. तो ये बेसिकली किस पर रिलेटेड है हमारा, मेडिकल साइंस पर, ठीक है, और हेल्थ सर्विसेज, जो जो हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए दे रही है, पब्लिक को प्रोवाइड करवा रही है, उससे रिलेटेड ये सारा डाटा होता है. दिस इंडिकेट इंक्लूड द फ्लोइंग, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड हेल्थ पॉलिसीज. तो ये सारा क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है. तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं. तो अभी हम पढ़ते हैं मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है. तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि डेथ रेट, यानी कि हमारी जो कंट्री है, जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जो है कितनी जो है डेथ्स हो रही हैं कंपेरिजन टू बर्थ, यानी कि कितने जो है जन्म हो रहे हैं और कितनी डेथ हो रही है एक साल के अंदर, ठीक है, यानी कि एक साल में कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की, या फिर कह लीजिए कितने बच्चों की जो है डेथ हुई है. तो बच्चों का अलग डाटा लिया जाता है, बड़े लोगों का अलग डाटा लिया जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम डेथ रेट को नापेंगे, यानी कि मेजर करेंगे. तो इसमें आ जाते हैं क्रूड डेथ रेट, CDR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, एंड एंड फिफ्थ आएगा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, PMR, एंड चाइल्ड प्रोपोर्शनल रेट, CPR, सॉरी. तो ये क्या है, सारे हमारे डेथ रेट्स हैं. तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट. तो इसमें क्या आएगा, तो मैंने ये फॉर्मूलेस के थ्रू आपको बता रही हूँ, पैराग्राफ में भी दिया हुआ है बुक में, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको ये फॉर्मूलेस याद रखने हैं और आप एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं, सेम मीनिंग होगा, लेकिन ये इजी वे है याद करने का भी और लिखने का भी. तो इसमें बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर. तो इसमें हमने लिया है 1000, यानी कि 1000 लोग लिए हैं, ठीक है. उनमें से 1000 में से
कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग जो हैं बचे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो एक साल के हिसाब से नंबर ऑफ द पीपल डाइंग इन अ ईयर, तो जो कितने लोग जो हैं, नंबर ऑफ पीपल जो हैं मरे हैं एक साल में, ठीक है, लोगों की डेथ हुई है एक साल में। देन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर, और जो उस साल में जितने भी जन्म हुए हैं, ठीक है, उतनी पॉपुलेशन, तो यहाँ पर उनका निकाल कर आ जाएगा डेथ रेट, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 110 पर डेथ हुई है, ठीक है, तो 5000 उस ईयर में लोग थे और हमने 1000 पर ये निकालना है। तो देन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 20 कट हो जाएगी, 5 2 10, एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 हमारा क्या आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट, ठीक है, ये हमारा पर ईयर क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। बाकी भी इसी फॉर्मूले से निकालने हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा IMR, IMR मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट की कितनी डेथ हुई है, ठीक है, पर ईयर जो है इन्फेंट कितनी डेथ हो रही है बच्चों की। इन्फेंट क्या होता है, छोटे बच्चे जो एक साल से कम होते हैं या फिर एक साल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, यानी कि एक साल में जितने बच्चों का जन्म हुआ और जितने बच्चों की डेथ हुई, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ठीक है। इसको भी ऐसे इसी फॉर्मूले से निकालना है। उसके बाद आता है हमारा CMR, CMR मीन्स चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। चाइल्ड में कितना, किस एज तक आ जाएगा, 1 to 4 ईयर के जो बच्चे आते हैं उनका आ जाएगा, ठीक है। अब जो डेथ हुई है 1 से 4 ईयर के बीच के बच्चों की, और टोटल चिल्ड्रन जिनका जन्म हुआ है 1 से 4 साल के बच्चों की उस साल में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट भी हमारा MMR, यानी कि मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और विद इन 24 डेज ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर कितने वुमेन्स की डेथ हुई है, या फिर बच्चा जन्म देने के बाद 42 दिनों के अंदर अंदर कितनी वुमेन्स की जो है डेथ हुई है, और किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, और कितने बच्चों को उसने जन्म दिया है, मतलब हेल्थी बच्चों को जन्म दिया और मदर भी ठीक है, ओके है, ये किससे करना है हमें, 1000 से। तो सेम सभी को हमने 1000 से करना है, बस आपको थोड़ा सा ये ऊपर का जो है इनका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा PMR, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ विद डिजीज इन अ ईयर, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर डिजीज से लोग मरे हैं, ठीक है, बाय टोटल डेथ ऑफ ऑल कॉज इन द दैट ईयर, बाकी जो बाकी सब एक पर्टिकुलर डिजीज, मान लीजिए कैंसर को मान लीजिए कि कैंसर से जो है एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, और डिवाइड करना है कि बाकी सारी डिजीज़ को मिला करके कितने लोगों की डेथ हुई है, यानी कि हम पर्टिकुलरली यहाँ पर कैंसर से मरे हुए लोगों का जो है डेथ रेट निकाल रहे हैं कि कैंसर से कितने लोग मरे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा CPR, CPR मीन्स चाइल्ड प्रोपोर्शनल रेट, नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर 5 ईयर्स, ठीक है, जो 5 साल के अंदर जो बच्चे आते हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल तक के बच्चे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज, ठीक है, यानी कि उस साल में 5 साल अंडर जो बच्चे आते हैं उनकी कितनी डेथ हुई है, और टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो 5 साल के थे उनका कितना बर्थ हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरह से ये हमने निकालना है इसका मोर्टेलिटी रेट। और बाकी जो ये दिए हुए हैं, डिसेबिलिटी, मॉर्बिडिटी, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी, ये सारे इन्हीं फॉर्मूले से जो है निकालने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है तो आपको इसी फॉर्मूले से सारे जो है सॉल्व करने हैं ये, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर्स, दिस इंडिकेटर इन्फ्लुएंस द हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये इंडिकेटर क्या करता है, हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कैसे और इनडायरेक्टली कैसे, ये हम पढ़ते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल लेवल, पॉलिटिकल सोसाइटी, कंजम्पशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड,
ठीक है, न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से, इकोनॉमिकल लेवल हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल जो है कैसे उसको इफेक्ट कर रहा है हेल्थ को, सोसाइटी कैसे इफेक्ट कर रही है, कंजम्पशन लेवल कैसे कर रहा है, एंड उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, यानी कि कैसा वो खान पान कैसा है उसका। तो सम जनरल इंडिकेटर्स आर, कौन कौन से इसमें जनरल इंडिकेटर्स, इसमें जाते हैं सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम सबको पढ़ते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट आता है हमारा सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर, सॉरी सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। तो इसमें क्या आता है, दीज इंक्लूड सुसाइड, होमोसाइड, वॉयलेंस, क्राइम, रोड एक्सीडेंट, जनरल डेलिक्वेंसी, ड्रग स्मोकिंग, यानी ये सारे इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, सोशल यानी कि मेंटल और जो है सोशली और मेंटल यानी कि दिमाग पर इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर दिमाग पर इफेक्ट डालेंगे तो हेल्थ तो ऑलरेडी अपने आप ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कैसे, यानी कि वो सुसाइड कर रहा है, सुसाइड से क्या हो रहा है उसकी, वो अपनी जो है लाइफ को एंड कर रहा है, यानी कि उसको मेंटली प्रोसेस जो है उसका वीक हो रहा है, और वॉयलेंस कर रहा है क्राइम से, ठीक है, और ड्रग स्मोकिंग, फैमिली में वॉयलेंस यानी कि फैमिली में जो झगड़े होते रहते हैं, ये सारे क्या हैं उसके मेंटली हेल्थ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, यानी कि इंडिकेटर्स क्या है ये, कि ये सारी चीज़ें जो है उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या आता है, दीज इंडिकेटर्स आर द डायरेक्ट मेजर ऑफ हेल्थ, दीज इंक्लूड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि जनसंख्या जो है बढ़ती चली जा रही है, तो इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक चेंज हो रही है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, यानी कि लोगों के रहने की जगह कम हो जाएगी, पर कैपिटल कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। नंबर थर्ड आ जाता है हमारा नेशनल स्टेटस इंडिकेटर, इट रिलेट इन द बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड, हाइट, ग्रोथ चार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद विच आर द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उसका जो है, उस चाइल्ड का हाइट और वेट और ग्रोथ का जो है चार्ट मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उसमें पता चलता है कि बच्चे का जो है, कि बच्चे की जो है ग्रोथ का पता चलता है। तो ये नेशनल वाइज किया जाता है कि इस एक जो है पर्टिकुलर स्टेट में या शहर में जो है बच्चों का हाइट वेट ग्रोथ जो है कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूटिलाइजेशन रेट, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कैन बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, नंबर ऑफ द पीपल यूजिंग फैमिली प्लानिंग मेथड एंड डिस चार्ज रेशो। तो इसमें क्या है कि जो सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, लोगों को, लाइक जैसे वैक्सीनेशन दी जा रही है बच्चों को, ठीक है, और प्रेग्नेंट जो रेशो ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, जो कितनी जो है प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और कितने लोग जो है फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिस्चार्ज रेशो कितना है, तो ये सारा क्या है, एक पर्टिकुलर रेट इनका निकाला जाता है, ठीक है, एक चार्ट बनाया जाता है, यानी कि इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, दीज इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स इंक्लूड पॉपुलेशन ऑफ एयर, ठीक है, वाटर, साउंड, रेडिएशन, सॉलिड वाटर, ठीक है, इनप्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड एंड वाटर। मींस इन्वायरमेंट भी क्या कर रहा है, हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है, कैसे, जैसे एयर हुई, यानी कि एयर जो प्योर एयर नहीं है, ठीक है, तो वो जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो प्योर नहीं है, उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है, वाटर जो हम पी रहे हैं वो प्योर नहीं है, उससे हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, साउंड हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन हो सकती है, ठीक है, सॉलिड वाटर हो सकता है, या इम्प्योर लाइट, ठीक है, इम्प्योर लाइट आ सकती है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है, और हमारा फूड जो हम खा रहे हैं वो प्योर नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, वो भोजन के थ्रू जो है हमारे अंदर जा सकता है और हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, हमारे हेल्थ पर जो है इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है ये। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।